अब फुटबॉल की फील्ड में एक पावरफुल बंदा कदम रख चुका है, जिसके वजह से आज हर एक फुटबॉलर के पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्बाप्पे की। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के जीत से ज्यादा इस बंदे के हार के चर्चे हो रहे थे। पूरे इंटरनेट पर इस बंदे के नाम की धूम मच गई है। 23 साल की उम्र में इस बंदे ने यूनाल मैसी को टक्कर दे दिया। यूनाल मैसी इस बंदे को हल्के में ले रहे थे, लेकिन इस बंदे ने फीफा वर्ल्ड कप में यूनाल मैसी को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इस बंदे ने अर्जेंटीना टीम के पसीने छुड़ा दिए। पहले हम इसके मॉनेटरी अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। इस बंदे ने जर्मन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें इस बंदे को हर साल 590 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पे मिलेंगे। साइनिंग बोनस 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसके साथ साथ रॉयल्टी बोनस फर्स्ट ईयर 575 करोड़ रुपए मिलेंगे और सेकेंड ईयर 660 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर ये थर्ड ईयर, अगर ये तीसरे साल भी इसी टीम के साथ खेलता है, तब इस बंदे को मिलेंगे 740 करोड़ रुपए। मतलब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन 5250 करोड़ रुपए है। ये बंदा यहां तक पहुंचने के लिए कई सारी स्ट्रगल, कई सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, फिर उसके बाद आज ये बंदा यहां तक पहुंचा है। इसके लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम आई। इस बंदे के पास शूज नहीं था, ये बंदा अपने फादर का शूज पहनता था, लेकिन इसके फादर का शूज काफी बड़ा था। ये बंदा अपने फादर के शूज अपने पांव में फिट करने के लिए रुई लगाता था, ताकि इसका पांव उस शूज में फिट हो जाए। और इस बंदे के आइडल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 36 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 7 गोल किए, लेकिन ये बंदा 23 साल की उम्र में 9 गोल किया, जिसमें इस बंदे ने अपने आइडल को भी पीछे छोड़ दिया। 23 साल की उम्र में इस बंदे ने 2 वर्ल्ड कप खेलकर 12 गोल कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यूनाल मैसी को भी पीछे छोड़ दिया। और इसी एम्बाप्पे की वजह से 2018 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस जीता हुआ था, और 2022 में इस बंदे की वजह से फ्रांस फाइनल फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचा। एक बार चेल्सी वालों ने इस बंदे को लंदन बुलाया फुटबॉल खेलने के लिए, तब ये बंदा गया लंदन। लंदन जाने के बाद इस बंदे ने बहुत ही बेहतरीन तरह से फुटबॉल खेला, इतनी बेहतरीन तरह से खेला कि वहाँ के लोग इसके फुटबॉल मैच को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन चेल्सी वाले एक ट्राई से श्योर नहीं थे, फिर उसके बाद चेल्सी वालों ने दोबारा खेलने को कहा, लेकिन तब इनकी माँ ने चेल्सी वालों से कहा, अगर आप आपकी बार मेरे बच्चे को टीम में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं अगले बार हमारे बच्चे को आपकी टीम में जाने के लिए तब आपको 50 मिलियन यूरो देने पड़ेंगे। लेकिन चेल्सी वालों ने ये बात कहकर टाल दिया कि ये 14 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। उसके कुछ सालों बाद पीएसजी वालों ने इसके मां के मांगे हुए अमाउंट से 4 गुना ज्यादा दिए। आने वाले फुटबॉल की फील्ड में देखते हैं कि कौन बेस्ट फुटबॉलर कहलाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, या फिर यूनाल मैसी फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, या फिर एम्बाप्पे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।